कैसे आप लोग, आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरी पूरी टीम इलेनिंग दुर्गेश की तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके माता पिता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे यह होली आपके ज़िंदगी में खुशियों के इतने रंग लाए कि आपकी अगली होली से यह होली एक यादगार बन जाए और प्रत्येक होली आपके लिए दुगनी खुशियाँ लेकर आए। यह होली जो आज आपके सामने एक दो से दिन के बाद आने वाला, लेकिन उसकी खुमारी अभी से नज़र आना शुरू हो गई और शायद हम पे भी देख सकते हैं। तो मैं 125 करोड़ देशवासी और साथ ही साथ उन सरहद पे खड़े प्रहरियों, उन सैनिकों को भी मैं इस पावन पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यह त्यौहार हमारे देश में एकता को दर्शाता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, यह एकता का, सौहार्द का ये प्रतीक है कि हम एक दूसरे से गले मिलते हैं और गुलाल खेलते हैं, रंग खेलते हैं। यह एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है जो ये दिखाता है कि भारतीय में वास्तव में एकता, अनेकता में भी एकता है। हम बेशक अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा मजहब, हमारा सब, हम आई एम इंडियन, हम भारतीय एक दल से पुकार आती है, उसके लिए यह त्यौहार सबसे अहम होता है। जो यह बात आपके और हमारे सबके दिलों को यह चौंकता है या बताता है कि हम एक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, आप यदि एक प्रतियोगी प्रशिक्षु हो, एक प्रतियोगी अभ्यर्थी हो, तो भगवान करे यह होली से आप वह परिवर्तन लाएं जो आप पिछले गलतियां करते हुए आ रहे थे, ताकि आगामी होली तक आप अपने भविष्य के उस महल तक पहुंच सके, उस महल तक जिसकी आप कोरी कल्पना सपनों में करते थे। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान करे आप अपनी बुलंदियों के शीर्ष पर पहुँचे और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिंदगी का अपने बेहतर दे रहे थे, वह मुकाम आपके लिए हाजिर हो जाए, आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, ताकि अगली होली आपके लिए एक इतना बड़ा सौगात लेकर आए जिससे आप खुद से प्रफुल्लित एवं खुशी से झूम उठे, आप और आपका परिवार, ताकि पूरी खुशी के साथ उस होली को मनाए। और मैं जो देश के सिपाही हैं, जो देश के सैनिक हैं, जिनकी बदौलत, जिनके नाते हम ये होली का त्यौहार मना सकते हैं, जिनके नाते जो वहाँ खड़े होते हैं, खड़े होकर हमारे लिए, हमें होली खेलने के लिए, हमें रंग खेलने के लिए, हमें जीने के लिए जो सांस देते हैं, और उन सभी सैनिकों को मेरी तरफ से ढेर सारी होली की शुभकामनाएं, क्योंकि वास्तव में सबसे पहले उन्हें ही शुभकामनाएं, कि वही पात्र हैं। तो इस समय लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इस लोकतंत्र के पर्व में आप पार्टीवाद छोड़कर, जातिवाद छोड़कर, मजहबवाद छोड़कर, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सभी एकता के उस सूत्र में, उस पंथ निरपेक्ष, धन निरपेक्ष की जिस बात जो संविधान करता है, उसके धागे में अपने आप को पिरोइए और मिलकर एक साथ होली का त्यौहार मनाइए, और साथ ही साथ जो गिले शिकवे हैं उसे दूर कर लीजिए। और आप सभी रंग का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं केमिकल रंग तो नहीं है, क्योंकि वह हो सकता है आप खुशी और सौहार्द की वजह से इसका प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है वह अगले के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। इसलिए आप सब गुलाल का प्रयोग करिएगा, प्रयास करिएगा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने का, जो आपके और आपके परिवार, आपके मित्रगण के लिए भी नुकसान भी ना हो और आप अपनी खुशियों के सौगात उन तक पहुंचा सके। तो आज यह कलर जो हम पे दिख रहा है, वो आप पे दिख रहा है, यह जो जुनून है, यह खुमार है, कहीं ना कहीं उन सभी सैनिक साथियों जिन्होंने अपनी वीरगता को, वीरगति को प्राप्त कर लिया, वो इस सीमा के प्रहरी के रूप में हमारी आपकी सुरक्षा करते हुए, उन सभी के परिवार को मेरी तरफ से इस होली की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि वास्तव में उनके लिए प्रत्येक त्यौहार एक अभिशाप के रूप में आता होगा, क्योंकि उनसे वह बिछड़ जाता है जिसकी वो कभी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हम और आप, और आपसे मेरी एक निवेदन है कि आप ऐसे सभी व्यक्ति जो, जिनकी होली न मनाने की इच्छा हो, जो होली से वंचित होना चाहते हैं, उन सभी के साथ आप अपनी होली सेलिब्रेट करिएगा, देखिएगा उसकी खुशी आपको कितनी अपार खुशियां देगी, कितनी दोगुनी खुशी मिलेगी जितना आपने कभी सोचा नहीं था। इसलिए प्रत्येक चेहरे को मुस्कुराने का प्रयास करिएगा, उसे हंसाने का प्रयास करिएगा, खिलखिलाने का प्रयास करिएगा, आप वास्तव में अपने आप में एक सफल व्यक्ति महसूस करेंगे जब आपकी वजह से कोई चेहरा खिलखिला के मुस्कुरा उठाएगा। तो बस आप सब इसका प्रयास करिएगा, क्योंकि वही उन्हीं की देन ऐसी है, उनकी सांसों की वो हवाएं हैं जिसकी वजह से हमारा तिरंगा फहरता है। तो आप उस सांसों को और जान देने के लिए बस उनके लिए भी एक गुलाल लगाइएगा मेरी तरफ से और अपनी तरफ से, और आप अपने परिवार, माता पिता और अन्य जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ होली मनाइएगा, किसी प्रकार का वर्ता ना करिएगा, क्योंकि यह उसका प्रतीक होता है, ये एकता का प्रतीक है। तो उस प्रतीक को आप सब और आगे बढ़ाइएगा, और साथ ही साथ सभी धर्म के लोग जो भी हों, क्योंकि मेरे लिए सभी समान हैं, और इस
सौहार्द का त्यौहार, इस एकता के त्यौहार की जो मिसाल है उसे जीवंत रखिएगा, उसे आगे बढ़ाइएगा और आप खुलकर साथ आइएगा, एक कंधे से कंधा मिलाकर एक हाथ से गुलाल लगाइएगा और लगवाइएगा। यही एकता का प्रतीक है, यही भारत और एक भारतीय होने का सबसे बड़ा गौरवान्वित है और जो गर्व का प्रतीक है, क्योंकि हम अलग अलग होते हुए भी हम भारतीय हैं। तो बस कुछ दिन के लिए सभी क्लेशों के भुला के आप इस होली को, ये जो होली का त्यौहार है, इसे आप सब अपने सफलताओं की जो उड़ान थी उसी के साथ अगर उड़ाकर देखेंगे इस रंगों के, इस होली के रंगों को, तो शायद आप अगली होली तक वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपने कभी कल्पना नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी का प्यार सम्मान इतना मिला जिसकी वजह से मैं आज आपके बीच खड़ा हूँ और आप अपनी बात कह रहा हूँ, और यह मेरे अथक परिश्रम और आपके प्यार का सबसे बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, जिसकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं, क्योंकि आपकी वजह से हुआ है। तो आप सभी साथियों को होली की मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे ई लर्निंग विद दुर्गेश टीम की तरफ से आपके आपके परिवार को, आपके ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप भी अपनी होली गुलाल से मनाइएगा और ये सोच के मनाइएगा कि इस होली से आप अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे, कुछ ऐसा बदलाव लाएंगे जिससे आप आगामी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, स्वयं अपने लिए एक मिसाल बन सके, एक मिसाल खड़ा कर सके। तो इसी के साथ आप सभी को पुनः होली की ढेर शुभकामनाएं। भगवान करे ये रंगों का सौहार्द आपकी जिंदगी में इतनी सौहार्द, इतनी खुशियां लाए कि आप अगली होली पर अपने आप को वहां पाए, ताकि यह होली आपके लिए यादगार हो जाए कि एक होली क्या थी और एक होली क्या है। तो बस मेरी स्वर से प्रार्थना है आप सफलता की उस बुलंदी तक जाए, ताकि आपको और आपके माता पिता को, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, सभी को गर्व से और कह दें कि यह, बाकी आप तो समझदार हैं। इसलिए आप सभी मनाइएगा त्यौहार और अपने जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, मेहनत करिएगा, सफलता के उस कदम को प्रयास करिएगा जिस वजह से आप असफल होते हैं, उन्हें सुधार करिएगा, ताकि अगली होली आप हमारी जो रंगों की गुलाल उड़ेगी वो सफलताओं के गुलाल हो। तो मैं ये प्रयास करूँगा आपकी गुलाल सफलताओं की गुलाल होगी। इसी के साथ आप सभी को, उन सैनिकों को जिन्होंने हमारे देश के सम्मान में, हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको और जो भी अभी तक थे, उन सभी को मेरी तरफ से, उनके परिवार को होली की ढेर शुभकामनाएं, और आपको और आपके परिवार को और वर्तमान सीमा प्रहरी को, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, क्योंकि आप भी लगातार इतने देर से हमें देख रहे हैं, तो कहेंगे आपने मैंने आपको होली की शुभकामनाएं नहीं दी। तो मेरा बस ये है, आप अपने जिंदगी का बेस्ट दीजिए, यही मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी शुभकामनाएं होंगी। आप अपने सफलता की मंजिल की तरफ अग्रसर हो, ये सबसे बड़ी होली का शुभकामनाएं होंगी। तो प्रत्येक त्यौहार, प्रत्येक दिन हमारे लिए वैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन यह ऐसे पल होते हैं, ऐसे समय होते हैं कि जो हमें खुद अंदर से खुशी की लहर पैदा करते हैं। तो उस खुशी की लहर को यदि वास्तव में सफलता के उस दिशा में इंगित कर दे, ताकि हम सफलता हमसे चंद कदम जो दूर है वो और नज़दीक आने का प्रयास करें, तो आप भी अपने जिंदगी का बेहतर देने का प्रयास करें, ताकि आप भी गर्व से कह सके कि यह होली मेरे लिए एक यादगार होली था। इसी के साथ आप सभी साथियों को, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार को और आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।